फतेहपुर जनपद के अंतर्गत जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और कार सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ दौरान पुलिस ने कार सहित चारों बदमाशों को गिरफ्त में लेते हुए देसी तमंचा व कारतूस, देसी बम सहित अनेक उपकरण बरामद करते हुए उन्हें जेल भेजा, जहां एक बदमाश मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि जहानाबाद थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष पुलिस हमरा बल में उप निरीक्षक अमरीश मिश्रा व आरक्षी गणों के साथ गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में गश्त भ्रमण पर थे, तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर होली सराय की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंचे तो I-10 कार में सवार लोग पुलिस को देख कर कार पीछे घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुलिस पर कार सवार बदमाशों द्वारा फायरिंग हुई। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए कार सवार प्रियांशु त्रिवेदी ग्राम रिठवा थाना चांदपुर 21 वर्ष, दिव्यांशु उर्फ सोनू पटेल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना चांदपुर 20 वर्ष, संदीप कुशवाहा निवासी ग्राम हसगर थाना साठ कानपुर नगर 21 वर्ष, अभिषेक उर्फ गुड्डू लोहार ग्राम इसेपुर थाना बकेवर 20 वर्ष आदि को कार सहित अपने गिरफ्त में लिया। वहीं पार्थ उत्तम उर्फ भूरा निवास ग्राम जाफरपुर सिराठा थाना जहानाबाद मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि जामा तलाशी के दौरान एक I-10 कार सहित 3 देसी तमंचा, 6 कारतूस, 2 खोखा, 315 बोर, 4 सुतली बम, सब्बल, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, लोहा काटने की आरी आदि बरामद करते हुए थाना पर MB एक्ट के तहत कार को सीज कर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आर्म्स एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर अभियुक्तों को जेल भेजा। वहीं फरार अभियुक्त पार्थ उत्तम उर्फ भूरा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।